गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज यानी मुक्त शैक्षिक संसाधन के बारे में बताऊंगी, जिसका मैं ई कंटेंट आपको दे चुकी हूँ कि आखिर ये होता क्या है। तो स्टूडेंट, इसमें आप ये जो OER है, ये शिक्षण अधिगम और शोध के वे संसाधन हैं जो या तो पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध हैं या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस के तहत दूसरों की अनुमति देते हैं कि उनका निःशुल्क उपयोग किया जा सके। बिल्कुल, जैसे अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के माध्यम से आप ये जान रहे हैं कि ये OER क्या होता है। तो ये क्या है, ये खुद में OER है। मतलब आप जो कुछ भी ऑनलाइन कंप्यूटर पर फ्री में एक्सेस करते हैं, आप पता करते हैं, जानते हैं, जानकारी लेते हैं, वो चाहे वीडियो हो, वो चाहे आपका टेस्ट मटेरियल हो, वो चाहे आपका ई कंटेंट हो, ई बुक्स हो, कुछ भी हो, यूट्यूब हो, आपने कहीं से कुछ भी अगर ऑनलाइन फ्री में लिया है तो वो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। और इसका जो पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो यूनेस्को द्वारा हुई थी 2000 में। विश्व में बहुत, जब शिक्षा के बिना कोई विश्व नहीं चल सकता, कोई राष्ट्र नहीं चल सकता, और अगर शिक्षा फ्री में हो उपलब्ध, तो जो लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं वो उसका आराम से उपयोग कर पाएंगे और वो जान पाएंगे कि चीज़ें क्या होती हैं। तो OER यही है, इसमें आपके पूरे कोर्स आते हैं, सामग्रियां आती हैं, मॉडल्स आते हैं, ई बुक्स आती हैं, सॉफ्टवेयर, तकनीक, वो जो कुछ भी कंप्यूटर से हम एक्सेस करते हैं हमको फ्री में मिल जाता है, वो सब कुछ OER के अंतर्गत आता है। जैसे, और यहाँ ये भी है कि कोर्स सामग्रियां, जैसे इग्नू है, तो इग्नू जो है हमारे इंडिया में, वो भी OER का एक बहुत बड़ा साधन है। हम अगर वर्ल्ड लेवल पर MOOCs की बात करते हैं तो वो भी OER का ही एक रूप है कि वर्ल्ड वाइड जो MOOCs है, जो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कैसे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे इग्नू है, इग्नू से आप आराम से कोर्स कर सकते हैं, आप वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्वयं है, स्वयं पे जा कर के हम स्वयं जो पोर्टल भारत सरकार ने जारी किया है, वो जो पोर्टल है वो भी OER के ही अंतर्गत आता है। इन शॉर्ट फॉर्म, आप अर्पित है, आपका दृष्टि है, वीडियो है, टेक्स्ट है, मैसेजेस हैं, वो सब कुछ जो आपको फ्री में मिलता है और आप जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें एक चीज़ मैंने लिखी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो हम अपने दिमाग से बनाते हैं, वो प्रॉपर्टी जिसमें आप लिटरेरी वर्क भी होता है, म्यूजिकल वर्क भी होता है और इन्वेंशंस होते हैं। जैसे कि अगर ये मैंने वीडियो बनाया है तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मैं अगर चाहूँ तो ये, इसे मैं आपको फ्री में एक्सेस हो रहा है, और अगर मैं ना चाहूँ तो इसके लिए मेरे पास ये अधिकार है कि मैं इसको आप से इसका, मतलब किसी से भी अगर मैं इसको YouTube पे कर दूं या कुछ भी कर दूं या ऑनलाइन कर दूं, तो इसका मुझे अधिकार होगा कि मैं इसके साथ क्या करूंगी। मतलब ये फ्री होगा या ये नॉन फ्री होगा, पर ये होता, ज़्यादातर जो OERs हैं वो नॉन फ्री ही होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कोई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो चीज़ें हम अपने दिमाग से बनाते हैं, चाहे म्यूज़िकल है, अब बहुत सारे लोग जो हैं म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो वो धुन, वो चीज़ें, वो आपको यूट्यूब पे आराम से मिल सकती हैं, आपको गूगल पे आराम से मिल सकती हैं, तो वो इसी के अंतर्गत स्टूडेंट आता है। तो हम आज ये जाने हैं कि OER क्या होता है, मतलब वो सब कुछ जो आपको फ्री में इजीली कंप्यूटर पर इन और मिल जाता है, आप एक्सेस कर सकते हैं, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, वो सब कुछ आपका OER के अंतर्गत आता है। अब इसकी हम इसके जो उद्देश्य हैं हम उनको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहला उद्देश्य है देश के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने में सहायता प्राप्त करने में। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा इंडिया है या कोई भी देश है, तो वो डिवाइड है क्लासेस में। तो कोई भी ऐसे लोग जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर उनके पास मान लीजिए उतना पैसा नहीं है, तो वो कैसे लेंगे, तो OER ये सुविधा देता है कि आप कर सकते हैं। जैसे MOOCs है, MOOCs में आप
जा करके अगर मूक्स के जरिए आप हॉवर्ड यूनिवर्सिटी का भी कोई कोर्स कर सकते हैं घर में बैठकर इजीली। तो ये एक तरीका है OER का। जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ पूर्ण दिशा प्रदान करना, एकदम सही बात है कि सभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, सबके पास इतना पैसा नहीं होता है, पर OER यानी जो आजकल YouTube है, देखिए कितना इजी कर दिया इसने शिक्षा को, तो इसके जरिए आप आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण करना, हमारी सरकार का जो बहुत बड़ा बजट है वो रक्षा और शिक्षा पे खर्च होता है, तो OER ने ये समस्या का समाधान किया है कि जो शैक्षिक कार्य है वो आराम से हो सके। किसके माध्यम से? OER के माध्यम से, स्वयं स्वयं। यही एक कोशिश है भारत सरकार की, स्वयं प्रभा जिसका एक आज्ञा है कि जिसके जरिए हम जन जन तक, घर घर तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। इसके बाद का आता है मुक्त शिक्षा के परिणाम स्वरूप माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के लिए प्रावधान करना, एकदम बात है। जैसे हमारा इग्नू, जैसे कोई बीएड नहीं कर सकता, पीएचडी कठिन है, बहुत सारे कोर्सेज इग्नू कराता है, तो हम घर बैठे कम पैसे में इजीली कर सकते हैं। समय समय पर उसके एग्जाम्स भी होते हैं, उसका टेस्ट भी होता है, हम वो भी कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? OER की वजह से ही होता है। इसके बाद स्टूडेंट, हमने एक बात करी थी ई लर्निंग की, कि आखिर ये ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है, तो ये भी यानी इलेक्ट्रॉनिक अधिगम को ई अधिगम भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं। मतलब ई लर्निंग भी वही बात हो गई कि हम जो कुछ भी कंप्यूटर के थ्रू, विद्युत यंत्रों के थ्रू सीख रहे हैं, हम जो भी जानकारी ले रहे हैं, वो सब क्या है? वो ई लर्निंग के अंतर्गत आ रही है। इसकी एक परिभाषा है जिसको आप देख लीजिए, वो परिभाषा है ब्रांडोन हॉल के अनुसार, कि जब अनुदेशन का संचार आंशिक या पूर्ण रूप में विद्युत यंत्रों के माध्यमों की सहायता से तथा वेबसाइट व इंटरनेट अथवा बहु माध्यमों सीडी रोम डीवीडी से किया जाता है, तब उसे ई अधिगम कहते हैं। यानी कि हम ई अधिगम के अंतर्गत हम वेबसाइट से जो भी जानकारी लेते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जो कुछ भी जानकारी लेते हैं, हम गूगल करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, वो सब कुछ भी ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, ये अधिगम छात्र केंद्रित होता है, सही बात है, छात्र केंद्रित इसलिए होता है क्योंकि इसमें शिक्षक का कोई रोल नहीं होता है, छात्र जो चाहे वो वहां से अपने ले करके जानकारी ले सकता है। इस प्रकार के अधिगम में छात्रों को अपनी गति से सीखने के अवसर दिया जाता है। बिल्कुल, आप YouTube पे जाएंगे, आप इस चैनल को, अगर आप मेरा भी वीडियो देखेंगे तो अपने हिसाब से आप जो हैं रुक सकते हैं, पॉज दे सकते हैं, इसमें आप कब सीखे, बार बार सीख सकते हैं, वापस जा सकते हैं, यानी इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये अधिगम स्वनिर्देशित होता है, स्वनिर्देशित होता है, मतलब हम खुद को, छात्र ये निर्देश देता है कि अब उसको ये सीखना है, उसको ये सीखना है, इसी के अंतर्गत आता है। ई अधिगम में बहु माध्यमों का प्रयोग होता है, बिल्कुल बहु माध्यमों का प्रयोग होता है। हम केवल ये थोड़ी ना, मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब से ही कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपका वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप कैसे भी किसी से कोई व्हाट्सएप के जरिए कहीं से भी आपको कोई भी नॉलेज एक्सेस कर ली, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? ई लर्निंग के अंतर्गत आ गया। तो स्टूडेंट, इसी तरह से आज हमने OER और ई लर्निंग को समझा कि ये क्या होते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके स्टूडेंट।